नमस्कार, रिचा रियल वेजेस में आपका स्वागत है। आज मैं सूजी के बाउल्स बनाने जा रही हूँ। चलिए सूजी के बाउल्स बनाना शुरू करते हैं। सूजी बाउल्स बनाने के लिए एक कप सूजी ली है, 1.5 कप पानी, 2 चम्मच ऑयल। अब उसमें तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच नारियल बुरादा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच सांभर मसाला, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके, 3 हरी मिर्च छोटे छोटे चॉप करके, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 20 काजू काटे हुए, 2 चुटकी हींग, 3 लाल मिर्च साबुत। पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून करीब ऑयल डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच करीब राई डालेंगे। राई चटकने लगी, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस करिए, कड़ी पत्ता, ये हमारे पास सूखे हैं, ऐसे क्रश करके डाल देंगे। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। घी, कटे हुए काजू, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस को सिम पर रखेंगे, इसे धीमी आंच पर भून लेंगे। इस तरह अब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी को अच्छे से छान लिया है। सूजी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। डेढ़ कप पानी डालेंगे। पानी डाल के फिर चलाएंगे। देखिए सूजी फूलने लगी। अब से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सूजी फूल चुकी है, इसे ठंडा करने के लिए एक परात में निकाल लेते हैं। परात में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे निकाल लेते हैं। इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक सूजी ठंडी हो रही है तब तक हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख देते हैं। दो गिलास करीब पानी डाल लिया हमने इसमें। पानी गर्म करके रखते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड लगा के हाथ को चिकना कर लेते हैं। इसे आटे की तरह मुलायम करते हैं सूजी को।
ये हमने सूजी को देखो एकदम सॉफ्ट डो बना लिया है। अब इसके हम पाउच बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा निकाल के इसके गोल गोल करके बॉल्स बना लेंगे। सारी बॉल्स बना के हमने तैयार कर ली हैं। अब इनको एक चलरी में ग्रीस करके इसमें बॉईल करने के लिए रखेंगे। इससे बॉल्स हमारी चिपके नहीं। अब बॉल्स को ऐसे लगा लेते हैं। आप ये स्टीमर में भी बना सकते हैं। एक कप में 25 बॉल्स बनके तैयार हैं। पानी बॉयल हो चुका है और इसे हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। बॉल्स देखिए स्टीम में पक चुके हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून हरी धनिया ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें राई डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम पहले राई डालेंगे। कढ़ाई चटक दे रही, इसमें थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता, इसे भी हमें आज पे भून लेंगे। लाल मिर्च, चार लाल मिर्च डालेंगे, चार सांभर मसाला। गैस को एकदम हल्का करके इसे भून लेंगे। अब इसमें तिल डालेंगे, तिल बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। थोड़ा सा नारियल बुरादा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा पानी। जो बॉल्स हमने बनाई है इसमें डाल देंगे। देखिए बॉल्स कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। सूजी की बॉल्स बनके तैयार हैं। इन्हें हम सर्विसिंग बॉल में निकाल लेते हैं। इसे हम नारियल के बुरादे से ग्रीसिंग कर लेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। सूजी के बॉल्स नारियल की चटनी के साथ सर्व करने के लिए तैयार हैं।